नई हिजरी सन 1444 की शुरुआत के मौके पर सर सैयद अहमद वेलफेयर द्वारा पौधारोपण कर मौलाना मौज में चादर पेश कर अमन चैन की दुआ की। नई हिजरी सन 1444 की शुरुआत के मौके पर सर सैयद अहमद वेलफेयर द्वारा पौधारोपण कर मौलाना मौज में चादर पेश कर अमन चैन की दुआ की। संस्था प्रवक्ता इकबाल उस्मानी और मौलाना मौज के भैयू भाई ने बताया कि मुस्लिम हिजरी सन 1444 की शुरुआत के अवसर पर रविवार सुबह दरगाह मौलाना मौज पर संस्था पदाधिकारियों द्वारा पौधारोपण किया गया। उसके पश्चात दरगाह मौलाना मौज पर संस्था पदाधिकारियों द्वारा शहर और देश में अमन चैन की दुआ के साथ चादर पेश की गई। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारी गण उपस्थित थे। आज से जो है हमारा नए वर्ष की शुरुआत है और इसी क्रम में जो है सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी अनेकों कार्यक्रम करती रहती है। तो आज साल का पहला दिन है तो हम नए वर्ष को इस माने में जो है हमने लिया है कि हम पौधा अर्पण करके एक ज़िंदगी को जो है परवान चढ़ाएं और उसकी छत्र छाया में सारे लोग जो है अमन अमान से रहें। इसी उद्देश्य के साथ हमने दरबार आली में हज़रत मौलाना मुकुद्दीन मौ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में चादर पेश की और शहर में अमन अमान के लिए दुआ दी।